हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अभी फेस पैक का एक करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि दो प्रोडक्ट मेरे सेम है, मतलब सेम कंपनी के, मामा अर्थ के उपतन का एक फेस वॉश है और एक उपतन का फेस मास्क है, ये दो चीज़ है। तो मैं सोची कि दोनों साथ में ही ट्राई कर लेती हूँ, दोनों का साथ में ही आपको रिव्यू दे देती हूँ। तो ये जैसे कि फेस वॉश है, तो ये तो नॉर्मल है, जैसे हमें फेस वॉश करते हैं वैसे ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ये फॉर टैन रिमूवर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज के दिन मैंने धूप में बहुत ज़्यादा मेरा हुआ था, मतलब कॉलेज से आओ जॉब जाओ, तो इस वजह से बहुत हुआ था। तो चेक करते हैं, और मुझे ये भी बताइए कि अगर आपने लास्ट वीडियो देख ली तो आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए हम पहले फेस वॉश ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें तो दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक तो लिखा नहीं कि कैसे करना है, तो मैं फेस वॉश तो यहाँ पे आपको करके दिखा नहीं पाऊंगी, बट हाँ मैं फेस वॉश जरूर यूज करूंगी, आप उस चीज का टेंशन ना ले। आप देख सकते हैं मुझे अभी पूरा स्वेट भी आया हुआ है, सब आया हुआ है। अच्छी ये मैंने इसका ना एक एडवर्टाइज भी देखा था, शिल्पा शेट्टी वाला, देखते हैं उतना है। और जब मैं इसको ना थोड़ा सा मिक्स करूंगी ना, तभी आपको तो दिखेगा नहीं आप यूज करेंगे तो, अगर आपको दिख रहा रहेगा तो यहाँ पे मुझे ना छोटे छोटे इसके अंदर दाने से, तो मुझे वो पता करना है। इसके अंदर लिखा है केसर, हल्दी, नीम, हो सकता है इनमें से किसी को। मुझे डार्क सर्कल्स है तो नहीं, बट ब्लैक ब्लैक बहुत यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोग को लगे कि मैंने यूज किया, इसके लिए मैं आपके सामने ये लगा रही हूँ, नहीं तो मैं विदाउट फेस पे पानी लगाए कभी नहीं कर। तो फेस वॉश करने से पहले मैं आपके सामने अपने हाथ में डाल के लेके जाती हूँ, क्योंकि इतने से तो कुछ नहीं होगा। मुझे और एक फेस वॉश आया हुआ है, फिर उसका यूज थोड़ा समझ है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो गाइज मैं अपना पहले फेस वॉश करके आती हूँ। तो गाइज जैसे कि मैंने अभी अपना फेस वॉश कर लिया है, तो जब मैं फेस वॉश की तब मैंने इसको स्क्रब कर करके किया, मेरे को पूरा महसूस हो रहा था और सॉफ्ट सॉफ्ट लग तो रहा था। अभी फेस को थोड़ा सा मैं कपड़े से साफ करके देखती हूँ, ये सब पानी है। अच्छा लग रहा है, आई थिंक इसको मैं रोज लगाऊं तो मेरा टैन रिमूव कर देगा। बेसिकली मेरे पूरे फेस पे टैन नहीं है, बिकॉज मोस्टली मैं अपना फेस कवर रखती हूँ जब भी धूप में जाती हूँ, बट मुझे ना यहाँ पे बहुत है, बिकॉज मेरा इतना पोर्शन तो खुला ही रहता है, ये इतना पोर्शन मेरा ओपन रहता है, आंखें पूरी ढकी नहीं रहती, तो वो चीज़ एक होती है। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि मैंने जब ये यूज़ किया तभी मैंने इसको पूरा स्क्रब किया अच्छे से अपने फेस पे, एंड उसके बाद तो मुझे थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था, अभी भी मुझे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, एकदम स्किन क्लीन है, देख लो आप। ये देखिए मुझे इतना टैन नहीं है जैसे कि मैंने बोला, मुझे थोड़ा सा ही टैन है, बट स्टिल मेरे को लग रहा है कि अगर थोड़ा टाइम ये यूज करूंगी तो ये हो जाएगा। तो आप एक बार वापस से देख लीजिए, मैंने छोटा ही पैक मंगाया था, बिकॉज कुछ चीजें मेरे स्किन पे नहीं होती है, बेसिकली मेरी स्किन पे सिर्फ चाकोल की चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होती है, चाकोल प्रोडक्ट मेरे को ज्यादा सूट होता है। तो मेरा मोस्टली जो फेस वॉश है वो अलग से ऑर्डर करके आता है, तो इसके लिए मैं कुछ दूसरा फेस वॉश यूज नहीं करती, बट मैंने ये ट्राई किया, मुझे पसंद आया और मैं इसको अपने पास रखने वाली हूँ। जब तक ये छोटा वाला है मेरे पास तब तक मैं इसे अपने बैग में रखूंगी, बिकॉज मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, जिम में मेरा जॉब भी है और वहाँ पे मैं वर्कआउट भी करती हूँ, तो वर्कआउट के बाद मुझे फ्रेश होना होता है, तभी मुझे फेस वॉश करने के लिए लगता है। तो आई डेफिनेटली यूज दिस वन,
बिकॉज ये मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश 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 लग रहा है, कल से जिम में भी सब दिखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मामा अर्थ का, ये सेम है उपटन का, इसके लिए मैंने दोनों प्रोडक्ट साथ में यूज कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा आपको कैसे सही लगता है आपका फेस वॉश एंड ऑल। तो इसे ओपन करते हैं, ये ओपन किधर से होते हैं, दिया तो है। मुझे थोड़ा सा डिसेंट बनना चाहिए ना, थोड़ा डिसेंट बनना चाहिए था मुझे और केची का यूज करना चाहिए था, बट जैसे है गाइस वैसे है। अभी वीडियो के लिए स्पेशली कुछ अलग बने तो मुझे नहीं। अयो ये क्या है, पहले फेस को क्लीन कीजिए, जो अभी जस्ट में करके आई हूँ फेस वॉश से, इसी के अप्लाई करिए, रिलैक्स करिए, रिमूव करिए, मसाज करिए, और ये मुझे मेरे फेस पे रखना है 15 मिनट्स। रिमूव द मास्क एंड जेंटली मसाज द सीरम इन योर स्किन। तो अच्छा हुआ इसके साथ मेरा और एक प्रोडक्ट आ गया, ये है सीरम, ये दूसरे कंपनी का, ये मामा अर्थ का नहीं है, आपको ये फिर आपके इस पे वीडियो पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड गाइस बताइएगा मेरी मेहंदी भी कैसी लगी, मैंने खुद से बनाई है, सॉरी फॉर दिस। पर हम पहले ये अप्लाई करेंगे, इसको निकालेंगे, फिर हम ये अप्लाई करेंगे। आज सारी चीजें लगते हैं मुझे अप्लाई करके देखनी पड़ेगी। और मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं फैन ऑफ करके बना रही हूँ, तो अगर आपको लगेगा कि थोड़ा पसीना एंड ये गिर क्यों रहा है, ये एक निकलता कैसे, सिंगल 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 नहीं है ये, नहीं समझ आ रहा गाइस, कमेंट में बताओ क्या करूं मैं। ओके आई अंडरस्टैंड नाउ, मुझे समझ नहीं, एक ही की दो है आई थिंक, एक ही है, लगा रही हूँ। मेरे को इधर ज्यादा चाहिए था, मेरा फेस छोटा है कि ये बड़ा है, डोंट नो गाइस। इसके साथ ना मैं बोल नहीं पा रही, हिल रहा है, तो भाई ऐसे हाथ लगाना भी सही नहीं लगेगा मुझे लग रहा है। तो गाइस मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। तो गाइस मेरे 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो अभी मैं इसे रिमूव करूंगी, ग्लो ग्लो टाइप लग रहा है फेस पे। इसका दूसरा साइड यूज कर सकते हैं क्या, जस्ट किडिंग गाइस, कर सकते हैं ना, या मेरे भाई ने थंब अप किया है, अब उसी के मुंह पे लगाऊंगी। नहीं नहीं कर सकते ऐसे, खुद के फेस का दूसरे के फेस पे लगाना गलत है, थोड़ा सा मसाज करने बोला था पैकेज पे। हाँ फील अच्छा हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम,
इस स्क्रब. अभी वो सीरम की बारी. थोड़ा सा टैप 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 टैप. पर ये देखो ना कैसा ग्लो कर रहा है गाइस. आपको दिख रहा है ये ग्लो? मुझे तो दिख रहा है. आपको दिख रहा है कि बता दो. सॉरी. वो इसका स्मेल अच्छा है. वे तेरा हाथ ला इधर. ये फेस सीरम है गाइस. ओके. मेरा स्किन अलग ही लग रहा है मुझे एकदम. सीरम से ही अपना फेस का मसाज करूंगी. तो इधर लगा देती. आई थिंक नॉट ड्रॉप वाला ज्यादा इजी पड़ता है. ये थोड़ा सा मेरे को निकालने का प्रॉब्लम आ रहा है. ओके. मसाज एंड मसाज. और जो मैंने क्ले वाला वीडियो बनाया था गाइस, उसके अंदर जो क्ले था वो अब मेरे भाई ने भी ट्राई किया है. और उसके फेस पे थोड़े से पिंपल है, तो मैंने बोला कि एक बार ट्राई करके देख. तो उसको पहले फेस वॉश करवा के फिर सब किया. तो उसको भी वो पसंद आया है. हाँ, अलग सा ग्लो आ गया चेहरे पे. देखिए अब हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट बच गए. आपको मैं दिखाई देती हूँ इस वीडियो में. दो ही प्रोडक्ट है और नेल पेंट है. तो मैं आपको वीडियो आ जाएगा उसका. और ये एक है नेचुरल डेली फेस पाउडर. पर ये पाउडर कम मेरे को लिक्विड ज्यादा लग रहा है. तो अभी तो मैंने सीरम अप्लाई किया, तो मुझे कुछ अप्लाई नहीं करना क्योंकि सीरम अच्छा दिख रहा है. इसे ओपन नहीं किया मैंने अभी तक, तो मैं ओपन करना चाहूंगी. वो है. और एक ये है स्किन ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश, हेल्प टू रिड्यूस फाइन लाइन, स्मूथ कॉम्प्लेक्शन एंड द मॉइस्चराइजेशन स्किन. बड़ा अजीब को अजीब काम कर लेती हूँ. डायरेक्शन टू यूज भी दिया है यहाँ पे. प्रिवेंट योर फेस विद द वार्म वाटर, प्योरीफाई फेस, जैसे आप नॉर्मल फेस वॉश करते हैं वैसे. ऐसे पैक क्यों करके आए हैं, खोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है. तो गाइस आपने ये वीडियो तो देख ली है मेरी. इसके अंदर आपने चेक कर लिया कि पहले मैंने उत्तन का फेस वॉश यूज किया मामा अर्थ का, एंड उसके बाद मैंने इसका फेस मास्क भी यूज किया. तो आपने दोनों का देख लिया. और सीरम उस मामा अर्थ का नहीं था, दूसरे कंपनी का. तो ये आपको सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. अगर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करने हो तो आप डिस्क्रिप्शन से लिख ले सकते हैं.
साथ ही में आप इस वीडियो को, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आपको ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस चलिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय।